दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं मटर की प्लॉट में और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मटर की खेती में कैसे आप लोग फूल की संख्या को बढ़ा सकते हैं। यानी कि बहुत सारे किसान तो चाहते हैं कि मटर की खेती में हम लोगों का ज़्यादा पैदावार मिले, तो पैदावार ज़्यादा पाने के लिए आप लोगों को मटर की खेती में सबसे पहले फूल की संख्या को बढ़ाना है। और फूल की संख्या को आप लोग अगर बढ़ाएंगे तो कैसे बढ़ाएंगे वही आप लोगों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, बट उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मटर की खेती में अगर आप लोगों को ज़्यादा फल फूल पाना है तो सबसे पहले क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो देखिए मटर की खेती जब करते हैं तो मटर में तो आप लोगों को लंबे समय तक हार्वेस्टिंग नहीं देता है, इसीलिए अगर 2-3 बार हार्वेस्टिंग देगा और उसी हार्वेस्टिंग में पैदावार को आप लोगों को बढ़ाना है। तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को सही समय पर सटीक खाद को डालना है। अगर आप लोग सही समय पर सटीक खाद को नहीं डालते हैं तो मटर की जो ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता है और जिस वजह से फूल कम लगता है, और फूल कम लगेगा तो पैदावार भी कम मिलेगा, इसीलिए खाद बहुत ही मायने रखता है। तो मटर की खेती में शुरू से आप लोगों को क्या क्या खाद देना है और कितनी मात्रा में देना है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले जब आप लोग मटर लगा दिया उसके बाद जैसे आप लोगों का मटर की फसल 15 से 20 दिन हो जाएगा उस समय पर पहला खाद आप लोगों को डालना है। तो उस समय पर पहला खाद क्या डालेंगे, तो उस समय पहला खाद में आप लोगों को 10-26-26 जो NPK आता है उसको लेना है, लगभग 45 से 50 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर अगर आप लोगों को 10-26-26 नहीं मिल रहा है तो आप लोग 12-32-16 को भी ले सकते हैं, और वही 45 से 50 kg लेना है पर एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ आप लोगों को सल्फर बेंटोनाइट को लेना है 5 से 6 kg प्रति एकड़ के हिसाब से। सल्फर बेंटोनाइट बहुत ही मायने रखता है मटर की खेती में, क्योंकि मटर एक दालिन फसल है और दालिन फसल में सल्फर की बहुत ही महत्व रहता है, इसलिए दालिन फसल में आप लोगों को सल्फर को डालना बहुत ही जरूरी है। तो सल्फर को आप लोगों को लेना है लगभग 5 से 6 kg, और 10-26-26 या फिर 12-32-16 जो भी आप लोगों को बाज़ार में मिल रहा है उसको लेना है आप लोगों को लगभग 45 से 50 kg, और इस दोनों खाद को मिला करके आप लोगों को डाल देना चाहिए और उसके बाद पानी चला देना चाहिए। इस तरीके से पहला खाद आप लोगों को डालना है। आप दोस्तों मटर की खेती में दूसरी खाद कब डालना है और क्या क्या डालना है, कितनी मात्रा में डालना है वो भी आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। तो मटर की खेती जैसे लगभग 35 से 40 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को सेकेंड खाद डालना है, और सेकेंड खाद में सबसे पहले आप लोगों को DAP खाद को लेना है 50 से 60 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ MOP यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटास को लेना है लगभग 20 से 25 kg पर एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ सागरिका Z++ या फिर जो बायोविटा ग्रेन्यूल्स आता है उसको लेना है 10 से 12 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ एक नाइट्रोजन युक्त जो आता है बाज़ार में यूरिया नाम पे जो मिलता है उसको लेना है आप लोगों को 20 से 25 kg, और इस चारों खाद को एक साथ में मिला करके आप लोगों को जड़ों के पास दे देना चाहिए और उसके बाद पानी चला देना चाहिए, जिससे कि मटर की ग्रोथ भी अच्छा होगा और मटर में फल फूल भी ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। लेकिन खाद डालने के बाद भी आप लोगों को स्प्रे के ऊपर बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग मटर की खेती में सही समय पर सटीक दवा को छिड़काव नहीं करते हैं तो जिस वजह से रोग बीमारियों का प्रकोप होता है, और एक बार रोग बीमारियों का अगर किसी भी पौधे में हो जाता है तो उसमें आप लोगों को पैदावार सही से नहीं मिल पाता है, इसीलिए आप लोगों को सटीक समय पर सटीक दवा को छिड़काव करना है। तो सबसे पहले स्प्रे की अगर बात किया जाए तो दोस्तों जैसे मटर की खेती में आप लोगों को 15 से 20 दिन हो जाएगा उस समय पर पहला छिड़काव करना है, और पहला छिड़काव में आप लोगों को सबसे पहले मैनकोजेब जो 75% आता है बाज़ार में इंदोफिल का M45 नाम पे मिल जाएगा, इसको भी लेना है आप लोगों को 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, और उसके साथ साथ एक कीटनाशक लेना है जो कि एसीफेट और इमिडाक्लोपीड का कॉम्बिनेशन मिलता है, जिसको आप लोगों को 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है, यानी कि 30 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में लेना है, और इस दोनों दवा को एक साथ में मिला करके पहला छिड़काव कर देना है। अब बात कर लेते हैं मटर की खेती में सेकेंड स्प्रे के बारे में, यानी कि सेकेंड छिड़काव हम लोगों को क्या क्या करना है और कौन सी समय पर करना है। तो जैसे मटर की फसल लगभग 40 से 45 दिन हो जाएगा उस समय पर आप लोगों को सेकेंड छिड़काव करना है, और सेकेंड छिड़काव में सबसे पहले आप लोगों को फंगिसाइड के रूप में टेबुकोनाजोल और सल्फर युक्त जो फंगिसाइड आता है बाज़ार में हरू नाम पे मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को स्वाधीन नाम पे भी मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में, और उसके साथ साथ एक कीटनाशक लेना है जो कि बायर कंपनी का भाइगो को इस समय ले सकते हैं, क्योंकि भाइगो को अगर लेते हैं तो ये सभी प्रकार की इल्लियों को ये अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है। तो भाइगो को आप लोगों को 10 ml प्रति 15 लीटर पानी में लेना है, और उसके साथ साथ एक टॉनिक लेना है जो कि सबसे अच्छा इस समय पर फेंटक प्लस, या फिर अगर आप लोग क्वांटिस को लेते हैं, या फिर अगर आप लोग फ्लेम बार्ज को लेते हैं, या फिर इसाबियन को लेते हैं,
इस चारों में से किसी भी एक को ले सकते हैं और 30 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस चारों में से किसी को एक को ले सकते हैं और इस तीनों को एक साथ में मिला करके आप लोगों को छिड़काव कर देना है सेकेंड स्प्रे में। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को मटर की खेती में छिड़काव करना है और खाद को भी डालना है। और हाँ, मटर की खेती में फूल आने के समय दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो कि उस दो चीज़ को आप लोगों को नहीं करना है। तो क्या वो दो चीज़ है वो आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला काम करना है कि मटर की खेती जब आप लोगों का फल फूल आ रहा है तो उस समय पर आप लोगों को नाइट्रोजन को देना नहीं चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रयोग करने से इस समय आप लोगों को नुकसान देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ और एक चीज़ जो ध्यान रखना पड़ता है कि मटर की खेती में जब आप लोगों का फूल आ गया है उस समय पर आप लोगों को सिंचाई भी नहीं करना है। अगर आप लोग उस समय पर सिंचाई करते हैं तो उसमें भी आप लोगों को नुकसान की सामना करना पड़ता है, इसीलिए इस दो चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरीके से अगर आप लोग फॉलो करते हैं मटर की खेती में तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फूल की संख्या देखने को मिल जाएगा, और अगर फूल आएगा तो फल भी आएगा, और फल आएगा तो पैदावार भी ज़्यादा मिलेगा। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल या ख्याल है तो नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग कमेंट कीजिए। और इस चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।